हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको CSJ MU यूनिवर्सिटी कानपुर या कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे हम जानते हैं, इस विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और इस विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेब पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप इस तरीके से वेब पेज लिंक के माध्यम से इस वेब पेज पर जाएंगे या गूगल में आप CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर सर्च करेंगे तो जो पहला रिजल्ट आएगा उस वेब पेज पे जाना है। और यहाँ पर एक आपको लिंक हाईलाइट होते हुए दिखाई देगा जो एक एडमिशन का डिटेल है, जिसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020। इसमें आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप एक अलग वेब पेज, आपके पास एक अलग से पेज ओपन होगा, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2020। इस वेब पेज पे जाना है। इसका लिंक भी मैंने वेब पेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और यहां पे जो फॉर्म भरने का जो डेट है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 29 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है 25 मई 2020। आप इस वेब पेज के हिसाब से देख सकते हैं और यहां पे उसका डिटेल दिया हुआ है। नोटिस और अनाउंसमेंट में आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एडमिशन का ब्रोशर। एडमिशन ब्रोशर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम ये ब्रोशर में जाते हैं। ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का ये एडमिशन ब्रोशर 2020 है। एडमिशन से रिलेटेड ये इनका ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस में यूनिवर्सिटी के बारे में और अफिलेटेड कॉलेज के बारे में जानकारी दी गई है। इस तरीके से इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे इसकी जानकारी दी हुई है। आपको UG में कितना परसेंटेज होना चाहिए, PG में कितना परसेंटेज होना चाहिए, जैसे आप इसमें PG करना चाहेंगे तो आपको पूरा डिटेल UG का PG का इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। आप इस तरीके से एडमिशन ब्रोशर देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों में जो इन्होंने सब्जेक्ट ऑफर किए हुए हैं विश्वविद्यालय ने, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप वो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट इसमें देख सकते हैं। ये डिटेल्ड इनका एडमिशन ब्रोशर है। इस एडमिशन ब्रोशर के अलावा जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला है, इस एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ये इनका एडमिशन नोटिस 2020 है। इनका ऑफिशियल वेब पेज का इन्होंने लिंक दे रखा है। जो कोर्सेस कराए जाएंगी इसके तहत MBA, BBA, BCA, फार्मेसी, MEd, MSW, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MSc विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में, इसके अलावा साइंस के लिए विभिन्न सब्जेक्ट में, आर्ट्स के लिए इन्होंने विभिन्न सब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके अलावा फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट, इसके अलावा आप देखिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लॉ, इसके अलावा बैचलर ऑफ लॉ, इस तरीके से पूरा इन्होंने डिटेल दे रखा है। जो फॉर्म भरने का मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 29 अप्रैल 2020 और फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है आपका 25 मई 2020। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वह आपको ईमेल के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेब पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो इन्होंने निर्धारित किया है वह अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है और ST और SC कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है। इसके अलावा जो फॉरेन के स्टूडेंट होंगे, जो इंडिया के बाहर के हैं जिनकी नेशनलिटीज, उनको एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अपने बारे में हाइलाइट्स रखा है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटी है उसकी डिटेल दी हुई है। ये इनका एडमिशन का एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी जो है विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है विभिन्न प्रकार के विषयों में प्रवेश हेतु, तो उसमें उस पाठ्यक्रम की अवधि, उनमें उपलब्ध सीटों की संख्या और
एक विषय को करने के लिए आपको मिनिमम क्या योग्यता होनी चाहिए शैक्षणिक, इसके विषय में इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने का जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से देखना चाहिए। इस वाले में इन्होंने ऑफिशियल लिंक की जानकारी दी है, पात्रता के बारे में बताया है और कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, इसकी पूरी जानकारी इन्होंने दे दी है। इसके अलावा ऑनलाइन जो सबमिशन होगा फॉर्म का, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो यह प्रोसीजर इन्होंने पूर्ण रूप से दिया हुआ है। आपको किस तरीके से नाम रखना है, 10th के हिसाब से रखना है, कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है और फोटो का साइज़ क्या होगा, ये सारे चीज़ें डिटेल में दिया हुआ है। यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का दिक्कत आएगा तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं अपने जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगा मैं आपको फॉर्म भरने में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये इस तरीके से इनका ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से आपका एक अलग से वेब पेज ओपन होगा, जिस वेब पेज पे आप जा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा फॉर्म भर लेने के बाद यदि आप उसको रिप्रिंट करना चाहें या आपके पेमेंट की स्टेटस आप जानना चाहें कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं है, तो वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।